नमस्कार, स्वागत है आपका HCN न्यूज में। कुछ घटनाएं इतिहास के पन्नों में अपना नाम हमेशा के लिए अमर कर देती है। ऐसी ही एक घटना है सारगढ़ी की जंग। इस घटना में कुर्बानी और वीरता की एक नई कहानी लिखी थी। 21 सिखों ने 10,000 अफगान की सेना को धूल चटा दी थी। जी हाँ, यूनेस्को ने इस लड़ाई को दुनिया की सबसे बेहतरीन 8 लड़ाइयों में शुमार भी किया है। भारत के लोगों की हमेशा से एक खासियत रही है कि वो कभी भी अपने शहीदों के बलिदान को नहीं भूलते हैं। देश में ऐसे वीर जवान भी हुए हैं जिन्होंने दुश्मन के सामने संख्या कम होने के बावजूद भी कभी अपने घुटने नहीं टेके। आज हम आपको ऐसे ही वीर गाथा के बारे में विस्तार से बताएंगे जो कि आपके अंदर जोश की आंधी ला देगी। आपने हॉलीवुड की 300 स्पार्टन मूवी तो देखी ही होगी कि कैसे उसमें 300 सैनिक लाखों की तादाद में दुश्मनों की सेना से आखिरी दम तक लड़ते हैं। लेकिन आज हम आपको हिंदुस्तान के उन 21 सिखों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में शायद ही आपको पता हो। आज हम आपको जिस वीर गाथा के बारे में बताएंगे उसे सारागढ़ी का युद्ध और बैटल ऑफ सारागढ़ी के नाम से भी जाना जाता है। ये युद्ध भारतीय इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ था। इस घटना ने भारतीयों को ये याद दिलाया कि हम भारतीय भी किसी से कम नहीं होते। सारागढ़ी का युद्ध 12 सितंबर 1897 को ब्रिटिश भारतीय सेना और अफगानी जनजातियों के बीच हुआ था। इस युद्ध में 10,000 अफगानों के सामने 21 सिख सैनिक ने हिस्सा लिया था, क्योंकि ये युद्ध गुलाम भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश सेना के लिए अफगानों से लड़ा था। इस युद्ध में ब्रिटिश भारतीय सेना की कमान ईश्वर सिंह ने संभाली थी। जानकारी इस बात की भी देना चाहेंगे कि इस युद्ध के अंत में ब्रिटिश सरकार सेना ने अफगानों द्वारा किए गए कब्जे वाले इलाके पर पुनः अपना नियंत्रण पा लिया था। आपको बता दें कि 1897 के साल तक अंग्रेजों का दबदबा पूरी तरह बढ़ता जा रहा था। पूरे भारतवर्ष पर कब्जा करने के बाद ब्रिटिश सेना अफगानिस्तान पर कब्जा करना चाहती थी। उन्होंने अफगानिस्तान पर हमला करना भी शुरू कर दिए थे, पर अफगानिस्तान सीमा पर ब्रिटिश सेना के कब्जे में दो किले, गुलिस्तान का किला और लॉकहार्ट का किला था, जिसे वो कब्जाना चाहती थी। दरअसल इस युद्ध की शुरुआत 12 सितंबर 1897 की सुबह 9 बजे हुई थी, जब लगभग 10,000 अफगान की सेना सारागढ़ी पोस्ट पर चढ़ाई करने के लिए संकेत देती है। करीब 10,000 अफगानी सैनिक उनकी और तेजी से बढ़ते जा रहे थे। दुश्मनों की इतनी बड़ी संख्या देखकर सब हैरान थे। ये जानकारी आने के बाद 21 सिखों का नेतृत्व कर रहे ईश्वर सिंह निर्णय लेते हैं कि मरने तक इस चौकी को नहीं छोड़ेंगे। ईश्वर सिंह के साथ उनके सैनिकों ने भी उनका साथ दिया और अंतिम सांस तक लड़ने का अटल फैसला किया। सारे सिख सैनिक अपनी अपनी बंदूक लेकर किले के ऊपरी हिस्से पर खड़े हो गए थे और युद्ध के मैदान में केवल घोड़ों की आवाजें सुनाई दे रही थी। आपको बता दें कि पहली गोली चलने के साथ ही सारागढ़ी का युद्ध चालू हो गया। दोनों ओर से गोलियों की आवाज गूंज रही थी और अंधाधुन गोलीबारी के बीच अफगानी नेता पश्तो समझ गया था कि ये जंग आसान नहीं होने वाली है। बंदूकों से जंग नहीं जीतता देख अफगान किले के दरवाजे तोड़ने शुरू हो गए, लेकिन उनमें से किसी को भी सफलता नहीं मिली। पर अचानक किले की एक दीवार ढह जाती है और अफगान किले में घुस जाते हैं। अचानक से गोलियों से चलने वाली लड़ाई चाकू और तलवार में तब्दील हो जाती है। जानकारी इस बात की भी देना चाहेंगे कि इस युद्ध में 20 सिखों से सीधे तौर पर अफगान से लड़ाई कर रहे थे और एक सिख गुरुमुख सिंह युद्ध की सारी जानकारी ब्रिटिश सेना के कर्नल हॉटकॉन को तार के माध्यम से भेज रहे थे। आखिरकार वही हुआ जिसका सबको अंदाजा था। दुश्मनों से लड़ते लड़ते 21 में से 20 सिख शहीद हो गए और अंतिम रक्षक गुरुमुख सिंह को अफगानों ने आग के गोलों से मारा। गुरुमुख सिंह अपने अंतिम क्षण तक बोलते रहे, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। इस युद्ध के बाद 36वीं रेजिमेंट के 21 सिखों को मरणोपरांत ब्रिटिश सरकार की तरफ से बहादुरी का पुरस्कार इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट भी दिया गया, जो कि आज परमवीर चक्र के बराबर है। 21 सिखों के बलिदान को शायद हम भारतीय भूल गए हों, लेकिन आज भी ब्रिटिश में 12 सितंबर को उन शहीदों के सम्मान में सारागढ़ी डे के रूप में मनाया जाता है। भारत में इस दिन सिख रेजिमेंट इसे रेजिमेंटल बैटल्स ऑनर्स डे घोषित किया गया है, लेकिन शायद इसके बारे में अभी आपने कभी नहीं सुना होगा। दर्शक इस बारे में क्या कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जो लोग HCN न्यूज पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।